टिमिट कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन को शोध के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स ने शिक्षा व शोध के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया है। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 220 से सम्मानित होने वाले प्रोफेसर विपिन जैन ने आभार व्यक्त किया, साथ ही अभी तक न्यूज इंडिया से बात की। दिल्ली रोड स्थित टिमिट कॉलेज ऑफ लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन जैन को अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड 2020 देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके शोध कार्यों के द्वारा दिया गया है। विपिन जी, आपको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे और क्या उपलब्धि रही है उसमें, क्या तैयारी? देखिए, ये रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड है जो मुझे 2020 के लिए मिला है। अभी जितना भी वर्क मैंने 20 सालों में किया है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। मेरे अभी टोटल 44 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में, और दूसरा पेटेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, और इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 12 पेटेंट मेरे अभी पब्लिश हो गए हैं और करीब 15 पेटेंट मेरे ऑस्ट्रेलियन पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 8 को ग्रांट मिल चुकी है, 3 एक्सेप्ट हो गए हैं और बाकी अभी फाइलिंग में चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम रिसर्च के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे लेके आएँ, और मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी टीम सहयोग कर रही है, साथ ही हम बाहर के जो और अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ मिलकर पेटेंट पर काम कर रहे हैं, जिससे नई नई चीज़ें हम दें, क्योंकि भारत भी बहुत पीछे है पेटेंट के मामले में, और मुरादाबाद क्षेत्र में हम इस जो भी नई संभावनाएँ नज़र आती हैं उसको ध्यान में रखकर हमारी टीम और जो बाहर के प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मिलकर हम पेटेंट को दाखिल करते हैं और उन पे रिसर्च भी करते हैं, जिससे कि हमारे टीचर्स को रिसर्च करना आए, साथ साथ जब टीचर्स को आएगा तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा विद्यार्थियों में। तो हमारा आगे आने वाले 2 साल में यही टारगेट है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी को रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बनाएं, और मेरे इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च निकल के आए, जिससे कि इसमें सर्वांगीण विकास हो सके हमारे छात्र व छात्राओं का, और वो आगे जाकर भारत सरकार की मदद कर सके और देश में नाम कर सके, अपने समाज का नाम कर सके, अपने शहर मुरादाबाद का नाम रोशन कर सके। जैसे कि तीर्थंकर महाविष्णु यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपका प्रयास रहा है लगातार, आगे भी ऐसी जारी रहेगा। और हम अब इसमें अपने स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अभी तक तो ये टीचर्स तक सीमित था, लेकिन अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी इस ओर लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यही कार्य आगे आने वाले टाइम पर काम करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में विद्यार्थियों को लर्न करनी चाहिए वो है स्किल्स, और जब तक स्किल्स नहीं आएगी तब तक वे आगे बढ़ नहीं सकते। और अभी जो ये रट्टाफिकेशन का कार्य चल रहा है उससे दूर हटकर हमें और सभी शिक्षकों को और छात्रों को करीब करीब ये इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज और स्किल्स पर अपना ध्यान देना है, जिससे कि वो जब भी मार्केट में जाएँ तुरंत जॉब ओरिएंटेड काम मिले और आगे कमा सके और अपने स्तर पर अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। थैंक यू सो मच। मयंक व्यास, अभी तक न्यूज़, मुरादाबाद।